तो हेलो एंड वेलकम मेरे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स के जो फंक वन है ईयरबड्स स्टिल ब्लिस, उनका चार्जिंग टाइम जानेंगे, कैसे आप इनको चार्ज कर सकते हैं वो जानेंगे, बैटरी लाइफ क्या है टोटल और ओल कितना बैटरी बैकअप आपको इन ईयरबड्स स्टिल ब्लिस से मिल जाता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करेंगे। एंड अगर आप पहली बार कोई ईयरबड्स स्टिल ब्लिस परचेज कर रहे हैं एंड आप इस मार्केट में नए हैं, तो मे बी आपके सामने काफ़ी क्वेश्चन है ईयरबड्स को कैसे चार्ज करें, केस के साथ चार्ज कर सकते हैं, केस चार्ज करते टाइम यूज़ कर सकते हैं, एक केस के साथ चार्ज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह ढेरों सारे क्वेश्चन होते हैं न्यू लोगों के लिए कि वो कोई मिस्टेक ना कर दें। तो गाइस आपका आंसर भी इस वीडियो में यहाँ पे मैं दूंगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JSTech। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो पहली बात हम बात करते हैं ईयरबड कैसे चार्ज होते हैं गाइस। तो ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए आपके केस में यहाँ पे बैटरी दी हुई है, ये कुछ बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। ओके, एंड केस को आपको अपने नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना होता है। तो केस अगर चार्ज है, इवन अगर 1% भी बैटरी बची हुई है, जब आप ईयरबड्स को इसमें रखेंगे वापस, तो आपके ईयरबड जो है ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड कुछ इस टाइप से आपको लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड नीचे आपको एक ग्रीन लाइट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ईयरबड्स तो ऐसे चार्ज होते हैं। अब बात रही किस टाइप से इनको चार्ज करें, तो गाइज टोटली आपके ऊपर है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप इनको एक ईयरबड को केस में रखिए, दोनों को केस में रखिए, या दोनों को निकाल लीजिए केस चार्ज करते टाइम, तो टोटली आपके ऊपर है। सब जो मेथड है वो टोटली सही है, लेकिन एक जो रूल है मेन, तो वो ये है कि आपका केस चार्ज होना चाहिए जब भी आप ईयरबड को चार्ज कर रहे हैं। अगर केस चार्ज, तो आप उसको एक नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर लेंगे एंड नॉर्मल चार्जर से जब चार्ज करते हैं, तो आपको जो ग्रीन लाइट है यहाँ पे वो ब्लिंक करती हुई दिख जाती है। तो जब तक ये लाइट ब्लिंक कर रही है, विच मीन आपकी ईयरबड फुली चार्ज नहीं है, आपकी जो लाइट है ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, देन आपके ईयरबड फुली चार्ज हो जाएंगे 100%। ओके, तो ये तो था केस कैसे चार्ज होता है, ईयरबड कैसे चार्ज होता है, बट चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम के बाद ये फुली चार्ज होते हैं। तो गाइस नॉर्मली जो इनका चार्जिंग टाइम है वो 1.5 घंटा है, अगर एक 5 वोल्ट के चार्जर से आप यूज़ करते हैं तो। बट अगर एक आप हैवी वोल्ट का चार्जर यूज़ करेंगे, लाइक 10 वोल्ट, 15, 20, 22, 30, 33 काइंड ऑफ ढेरों सारे चार्जर्स हैं, एंड मे बी आपके पास कोई दूसरा चार्जर होगा, तो पहली बात ये आप ध्यान रखें कि आप एक 33 वोल्ट से कम का चार्जर यूज़ करें, उससे हैवी वोल्ट यूज़ ना करें। अगर है 33 वोल्ट तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या है, अगर आप एक हैवी वोल्ट का चार्जर यूज़ करते हैं अपने ईयरफोन को चार्ज करने के लिए, ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए, तो गाइज वो एक काफ़ी हैवी हो जाता है। इनकी बैटरी कैपेसिटी 400, 500, 600 mAh तक आती है। ओके, तो 600 mAh 33 वोल्ट के चार्जर से है, या आप 50 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते हैं, देन आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर में आपकी बैटरी बैकअप आपके ईयरफोन का कम हो सकता है। तो अगर मैं इनको एक 10 या 20 या 25 वोल्ट का चार्जर से यूज़ करता हूँ, तो मुझे जो चार्जिंग टाइम इनका अराउंड 45 मिनट मिल जाता है, 45 मिनट 50 मिनट में ये फुल्ली चार्ज हो जाते हैं 0 to 100%। ईयरफोन को, ईयरबड्स को चार्ज करने में आपका कितना टाइम लगता है, तो ईयरबड्स को चार्ज करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगेन 45 मिनट to 1 आवर के अराउंड आपके ईयरफोन चार्ज हो जाते हैं। टोटल बैटरी बैकअप क्या है, तो यार जो माइक्रोमैक्स के ईयरफंक वन है उनका बैटरी बैकअप अराउंड 15 आवर है सिंगल टाइम में। ये ऑन एन एवरेज आपको जो है 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकते हैं, अगेन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस टाइप से इनको यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आप इनको लाइक हाई वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हैं, हम कोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन बाय डिफ़ॉल्ट जो बैटरी बैकअप है इन ईयरबड्स स्टिल ब्लिस का, वो आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एंड आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिल पाएगा इनसे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस टाइप से इनको यूज़ कर रहे हैं। अगर 60-70% वॉल्यूम पे आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो बस ये थे गाइस इस वीडियो में मेरी ओर से, आई होप मैं आपके जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर कर पाया। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हुई है, अगर आपको जो भी क्वेश्चन था वो आपका आंसर मिल गया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस।